गाइस आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब टेस्ट सीरीज में क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपको कैसे मतलब लाइक प्रोसीड करना चाहिए। तो ये हमने जो टेस्ट सीरीज रखी है बेसिकली सितंबर 20 से लेकर के जनवरी 20 तक रखी है। ठीक है, इसमें हमने 15 दिन का गैप भी रखा है। लाइक कुछ बच्चे थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, उनका फाइनल सेमेस्टर होते हैं दिसंबर में, हमने 15 दिन का गैप भी दिया है। ठीक है, जिनका नहीं है उसमें उस शेड्यूल में लाइक मतलब नहीं है पेपर, लाइक वो पास आउट है या फिर लाइक जो भी, तो वो उन 15 दिन में अपना लाइक कोई दूसरी टेस्ट सीरीज लाइक मतलब देना चाहे या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहे या रिवीजन डालना चाहे तो वहां पे वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइक स्टार्टिंग से 21 सितंबर से कि कैसे आपको प्रोसीड करना है और हमने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ली है। 3 टेस्ट सीरीज है, पहली तो हमने एस की ली है, मेडीजी की ली और अप्लाई की। ये मेरे अकॉर्डिंग मतलब 3 सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, हमने उनको लिया है। ठीक है, अगर आपके पास कोई तीसरी टेस्ट सीरीज है तो आप वहां पे मतलब लाइक एस की जगह आपने एस नहीं ली, मान लीजिए आपने रविंद्र बाबू के लिए ली। ठीक है, तो आप एस की जगह रविंद्र बाबू भी वहां पुट ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट मतलब सब में टेस्ट बराबर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप उसी की जगह बस उनको रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 सितंबर को आपको लाइक स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, पूरा शेड्यूल दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या क्या पूरा शेड्यूल है। ठीक है, तो 21 सितंबर को एस का आपको टीओसी TW1 दिख रहा होगा। TOC मतलब कि लाइक थ्योरी ऑफ कंपटीशन, TW1 का मतलब कि टॉपिक वाइज फर्स्ट। ठीक है, TW जितना भी है वो टॉपिक वाइज है, फिर आपको आगे मतलब लाइक हमने सब्जेक्ट के लाइक शॉर्ट कर रखे हैं नेम। TOC आपको दिख रहा होगा सबसे पहले 21 को, वो है थ्योरी ऑफ कंपटीशन। 22 को दिख रहा होगा DLD, वो है डिजिटल लॉजिक डिजाइन। फिर 23 को आपको दिख रहा होगा P&DS, ये है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। फिर 24 को आपको दिख रहा होगा OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। एल्गो का मतलब एल्गोरिदम, COA का मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, DBMS का मतलब डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CD का मतलब कंपाइलर डिजाइन, DEM का मतलब है डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, CN कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, GA मतलब की जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हमने पूरा का पूरा बना रखा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ME का मतलब एक ME आपको दिख रहा होगा अक्टूबर में, अगर आप जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा ME, तो ME का मतलब है मेडीज़। ठीक है, और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने पूरा का पूरा जैसा उनका शेड्यूल है हमने वैसे वैसे ले लेकर के पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है, मतलब शेड्यूल पूरा का पूरा डिजाइन कर दिया है। हम इसके साथ आपको ये जितने शॉर्ट फॉर्म्स लाइक हमने लिख रखे हैं तो इसके लिए भी हमने कहते हैं हर उसमें अक्टूबर जैसे मंथ का नेम लिख रहा है तो आपका आगे मैसेज एक येलो कलर का वो दिख रहा होगा, बॉक्स टाइप का कमेंट हमने ऐड कर दिया वहाँ पे, तो आप उसको देखेंगे जैसे ही तो वहां पे कहते हैं आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा कि क्या क्या इसका किसका क्या शॉर्ट मीनिंग है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नवंबर में भी हमने पूरा, और देखिए दिसंबर में आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 लाइक 15 तक, अगर आपका पेपर 1 से लेके 15 के बीच में पड़ रहा है तो आपको ये शेड्यूल मतलब लाइक यहाँ पे जनरली यही 1 से लेके 15 में आपके सारे एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, तो हमने ये 15 दिन का रखा है। अगर मान लीजिए लाइक किसी का 10 से स्टार्ट हुआ तो ये जो 10 से लेकर के 25 का शेड्यूल होगा वो आप वहाँ पे अपना मतलब लाइक एम्प्टी रख लीजिएगा, और ये जो स्टार्टिंग 16, 17, 18, 19, 20 वाले हैं इनको लाइक आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा 1, 2, 3, 4 में। ठीक है, बाकी और हमने फिर 20, अब ये जनवरी में आते हैं। ठीक है, तो जनवरी में हमने सिर्फ फुल टेस्ट रखे हैं और दिसंबर 23 से लेकर के पूरा जनवरी 20 तक, मतलब कि आपको एक मंथ सिर्फ फुल टेस्ट ही देना है, पर डे एक फुल टेस्ट देना, उसको अच्छे से एनालाइज करना उसमें क्या क्या आपकी मिस्टेक हुई है। ये नहीं और भी चीजें, जैसे मेडीजी ने अपना पूरी पूरी टेस्ट सीरीज चेंज कर दी है, लाइक मतलब कि उनके मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो अब एक चीज मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे आपका पूरी टेस्ट सीरीज दिख रही है, आपको एक मैंने सिर्फ टेस्ट दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 4 टेस्ट सीरीज है तो आप एक काम करना कि लाइक मैं जैसे करता था, क्या करता था कि मैं एक दिन में 2-2 टेस्ट सीरीज देता था, मतलब फुल मॉक देता था एक दिन में 2, कभी कभी 3 भी किए मैंने लाइक मतलब कभी कभी। ठीक है, पर 2 तो मैं मतलब मेरा हमेशा था 2 देता ही देता था, तो मैंने बहुत आपके लिए फ्रेंडली बनाया है कि मतलब आपको लाइक कोई भी हैक्टिक मतलब लाइक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप मतलब पूरा अपना शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एक दिन में आप एक टेस्ट दोगे तो उसमें करना क्या क्या आपको, पहले तो टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद आपको उसको एनालाइज करना है, आपके जितने क्वेश्चन गलत हुए उनको लाइक आप कहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना, उनको अच्छे से देख लेना क्या आपकी सिली मिस्टेक्स हुई है वो एनालाइज करना, आपके क्वेश्चन सही भी हुए ना तो वो भी आप एक बार चेक करना कि आपके कहीं मतलब आपने कोई कॉन्सेप्ट अलग यूज करके तो आंसर नहीं निकाला, उसका मैंने सही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि नहीं किया है। ठीक है, आप आते हैं लाइक ये 21 से 31 या फिर आपके गेट एग्जाम तक आप करोगे क्या, तो इसमें आपको करना क्या है बेसिकली कि यहाँ पे आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ये टेस्ट सीरीज का जितना शेड्यूल बताया उसमें ऐसा मत करना कि बस मैं टेस्ट दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, उसमें आपको अपना मतलब जैसे आप कोई सब्जेक्ट का टेस्ट उठाया आपने तो उसमें आपको रिवीजन भी करते रहना है साथ साथ में सब्जेक्ट्स का, और टेस्ट तो देते रहना है। ठीक है, अब ये 21 जनवरी से लेकर के जब तक आपका गेट एग्जाम नहीं आता तब तक
आपको क्या करना है, तब तक आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा फोकस करना है। मतलब कि आपको जितना भी आप टेस्ट सीरीज पे फोकस कर रहे थे अभी तक, उतना अब आपको कहते हैं रिवीजन पे फोकस करना है। साथ में क्या करना है, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस मतलब लाइक रेगुलर रखो है, ठीक है, तो क्या करना, लाइक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी टेलीग्राम पे, मतलब लाइक हम लोगों ने एक वो क्विज बना रहे हैं पूरा 65 क्वेश्चन का, जितना एक सेट होता था पूरा का पूरा, उसमें लाइक टाइमिंग के साथ पढ़ा रहेगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना, वहाँ पे आपको अभी तो नहीं, अभी हमारा सिर्फ 2020 का हमने डाल रखा है, बाकी हम सारे के सारे एड ऑन करते रहेंगे धीरे धीरे। अभी मतलब ये आपका जनवरी में आप जब मिलोगे ना हमारे टेलीग्राम चैनल खोलोगे, तो आपको जितने भी 30 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एकदम सीक्वेंस में। तो आपको जो भी देना हो एक एक उठाना, एक एक देना, दो दो उठाना, दो दो देना, आपकी मर्जी है। उसमें हम वेल एक्सप्लेनेशन अपने अकॉर्डिंग, मतलब लाइक हमें जहां पे लगेगा, मैंने फेस किया कई जगह पे आंसर सही नहीं होते हैं, ठीक है, तो मैं अपने सॉल्यूशंस लाइक बना करके आपको दूंगा, तो आपको वहां से भी फॉलो कर सकते हो, या फिर लाइक आप कहीं और से, अगर आपने लाइक testbook.com की, मैंने अपने टाइम पे testbook.com की ज्वाइन कर रखी थी, तो मैंने लास्ट वही 2014 या 15 के बाद, लाइक मतलब पहले तीन तीन सेट भी आते थे, तो मैंने टोटल 9 या 10 टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट दिए थे, यही 21 जनवरी से लेकर के पूरा इस टाइम तक, ठीक है, अपने गेट के एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले तक। मतलब पर डे एक देता था, उसको अच्छे से एनालाइज करता था कितने मार्क्स आ रहे मेरे एक्चुअल गेट एग्जाम में, ठीक है, तो मैं जो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उससे बहुत अच्छी, मतलब आपको एग्जैक्टली गेट एग्जाम में कैसा पेपर होता है टेस्ट के साथ, मतलब टाइमिंग के साथ देते हो ना जब, तो वो बहुत चीजें अच्छी लगती है। बाकी मॉक में क्या होता है ना, मॉक भी आप कितने भी दे लो, पर एक जो प्रीवियस ईयर वाला होता है ना, मतलब कि हाँ यार ये एक्चुअल गेट एग्जाम है, मतलब गेट का पेपर था ये उस साल का, ठीक है, तो वो चीजों का अलग ही फील होता है, ठीक है, तो वो चीजें जरूर देना। और मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा आपको, जैसे इस बार का जो पेपर था उसे अभी एक भी बार मत सॉल्व करना, एक भी बार मत सॉल्व करना, ना उसके एक भी क्वेश्चन छूना। उसको क्या करना, जैसे गेट एग्जाम आपका मान लीजिए पड़ता है, मान लेते हैं अभी कि 10 फरवरी को है, ठीक है, तो आप 9 को, तो मैं कहूंगा कि 9 को मत ही ज्यादा पैनिक मत होना, थोड़ा बहुत उठाना तो रिविजन करना, बाकी 8 को क्या करना है आपको, 8 को आपको ना वो 2020 का एग्जाम देना है गेट का, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपने एक भी क्वेश्चन करे नहीं है, एक्चुअल गेट का एग्जाम जो लास्ट ईयर आया हुआ है ना उससे आप फील करोगे, ठीक है, उससे आप फेस करोगे कि क्या होगा, ठीक है। पर एक चीज और नोटिस करूंगा, कहना चाहूंगा कि कहते हैं मतलब जैसे इस बार मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, तो मल्टी सिलेक्ट उसमें तो थे नहीं, तो अब क्या करना है, तो बाकी ऑप्शन को भी एनालाइज करना है आपको कि यार ये क्यों गलत है, ठीक है, इससे आपकी मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मल्टी सिलेक्ट के लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, आपका क्वेश्चन अगर सही होना था तो वो होगा ही होगा, ठीक है, तो कोई पैनिक होने की बात नहीं है। बाकी ये टेस्ट सीरीज हम कहते हैं अपना, कहते हैं एक उसमें डाल ही देंगे ये पीडीएफ आपके लिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको इसकी लिंक, ठीक है। और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स, मतलब एक मैंने फॉर्म भी डाल दिया है, फॉर्म की लिंक आप लोग फिल कर देना अपना, ठीक है, उसमें हमने जीमेल, आपको अपने मेल आईडी देनी पड़ेगी, अपना नेम देना पड़ेगा, और अगर कोई सजेशन हो लाइक वीडियोस वीडियो के लिए तो वो भी फिल कर देना, वो मतलब मैंडेटरी नहीं, आपकी मर्जी, आप अगर चाहो तो बता देना। और बाकी हमने उसे टेस्ट सीरीज आपने कौन कौन सी ज्वाइन कर रखी है वो उसकी भी इन्फॉर्मेशन, वो भी आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब लाइक अगर चाहो तो बता देना, हम कहीं लीक नहीं करेंगे डेटा, ठीक है, मतलब बता देना अगर अगर मन करे तो। उसे अगर आप फिल करोगे, उसमें हमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा शेड्यूल आप हम अपने मतलब गूगल कैलेंडर में बना करके आप लोगों के लिए मतलब लाइक इंपोर्ट करवा दूंगा। मतलब क्या वो करेंगे, हम लोग पूरा गूगल कैलेंडर बना लेंगे इसका, जितनी हमारे पास मेल आई होंगी, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब लाइक अगर आ गए 50-60 लड़के भी हुए हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे उनको वो पूरा का पूरा उनके पास वो गूगल कैलेंडर भेज देंगे। तो आप लोगों को लाइक ये पीडीएफ खोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सीधे क्या करो अपने गूगल कैलेंडर पे, आपके पास सुबह सुबह 9 बजे रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई मेरे को ये 2 पेपर देने हैं आज, या 3 पेपर देने हैं, 1 पेपर देना है आज, ठीक है, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसमें कहते हैं बस सीधे के सीधे आपको इसे खोलने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपके पास सुबह रिमाइंडर आ गया कि आज ये टेस्ट देने हैं मेरे को, तो उस पर फोकस कर लेते हैं, वो आपको बता देगा, ठीक है, तो उसमें पूरा का पूरा आपके गूगल कैलेंडर पे पूरा का पूरा आ जाएगा। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं लाइक मेहनत करूंगा उस पर, ठीक है, नहीं तो बाकी ये तो है ही आपके पास, ठीक है, और बाकी फिर कोई अगर टेंशन मतलब कुछ भी आए मतलब लाइक तो बता देना, मतलब कुछ भी डाउट है, ठीक है, कहीं पे भी छोटी सी भी डाउट है कि यार इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज को हैंडल करना चाहिए, अगर इन सब में कुछ डाउट, कुछ भी डाउट आता है तो लाइक वो हमें बताना कमेंट बॉक्स में, लाइक हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक और चीज, कई लोगों की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, लाइक मतलब वो 6-6 घंटे भी टेस्ट दे सकते हैं, पर मैंने किसी भी दिन आपको लाइक बोला कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं दिया है, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, सितंबर से लाइक नवंबर, बल्कि नवंबर लास्ट तक कहूंगा, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ आपके लिए एक
मिड तक, नवंबर मिड तक हमने क्या किया, सिर्फ आपको 3 घंटे का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम देना है, दो टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, एक सुबह देना एक इवनिंग में देना। मतलब कि टॉपिक वाइज होता कितने देर का है, अप्रोक्स 45 मिनट का होता है, ठीक है। 45 मिनट, एस में आपके 15 क्वेश्चन आते थे, मिड इजी में 17 क्वेश्चन, पर रहता 45 मिनट का है। तो एक मॉर्निंग में दे देना, एक आपका जब कंफर्टेबल टाइम, आप अगर उसी के बाद कंफर्टेबल हो तो उसी के बाद दे देना, अगर आप इवनिंग में कंफर्टेबल हो तो इवनिंग में दे देना, या फिर आप नाइट मिड नाइट को कंफर्टेबल हो तो मिड नाइट में दे देना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मिड नवंबर से लेकर के आपका ये दिसंबर के मिड तक, इसमें हमने क्या किया, आपके लिए सिर्फ 3 घंटे रखे हैं, जिसमें कहते हैं दो टेस्ट रहेंगे, एक रहेगा आपका मतलब सब्जेक्ट वाइज, बेसिकली वो 1.5 1.5 घंटे के टेस्ट होते हैं। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना कि आपको मॉर्निंग में देना है, इवनिंग में देना है, आफ्टरनून में देना है, जब भी आप मतलब माइंड, जब होता है ना कि माइंड आपका कब मतलब बढ़िया वर्क कर रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसे शेड्यूल कर लेना। बाकी फुल टेस्ट हमने सिर्फ एक एक रखा है, वो 3 घंटे का होता है, तो वो सफिशियंट है, आप से एनालाइज करो। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मतलब हमें कितनी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, मतलब लाइक मैं कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, कितने टेस्ट दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक कई बच्चे 7 7 भी टेस्ट सीरीज ले लो, 6 ले लो, 5 ले लो, कई लोग 1 भी लेते हैं, ठीक है, और 1 से भी बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं। तो मेन ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके मतलब लाइक जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे मेरे हिसाब से उतने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा मिनिमम दो टेस्ट सीरीज तो पक्का पक्का लेना, ठीक है। और अगर टीसी लेते हो तो अप्लाइड की, मतलब मेडिजी तो मतलब सबको ही लेता है, तो मेडिजी जरूर लेना। आपका अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है, आप टेस्ट करना चाहते हो यार अपने कॉन्सेप्ट को, अप्लाइड की बेस्ट है, और गेट स्टैंडर्ड से मैच करती हुई रहती है आपकी एस की टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये तीनों टेस्ट सीरीज के आपको मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया आपको। बाकी और कोई खास इसमें है नहीं कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बाकी कुछ भी और डाउट मिलता है तो आप हमें लाइक पिंग कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।